शाजापुर जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने भोपाल स्वास्थ्य विभाग की टीम शाजापुर पहुंची। बुधवार को आई टीम ने दवाई वितरण, डायलिसिस, आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन सहित अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान एक ही खिड़की से दवाई वितरण किए जाने से मरीजों को हो रही परेशानी, लिफ्ट बंद होने की समस्या सामने आई। टीम में आए हेल्थ कमिश्नर सुदाम खड़े ने मामले में अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्था सुधार के निर्देश दिए। विषय को लेकर निरीक्षण किया गया। आज मैं शाजापुर जिले के सुजानपुर और शाजापुर का निरीक्षण किया। यहाँ आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का अभियान चल रहा है। बात यह है कि यहाँ 80% से अधिक कार्ड बने हैं, 1 लाख के आसपास बने, उसको मुझे लगता है आने वाले समय में किया जाएगा। अस्पतालों की जो व्यवस्थाएँ थी और कुछ कैमरा और वो कुछ समस्या भी थी उसको भी देखने के लिए और राज्य स्तर से क्या किया जा सकता है उसके लिए जो हॉस्पिटल का काम भी चल रहा है यहाँ पर वो भी देखना, और यहाँ बाकी भी जो सुविधाएँ थी जैसे कि डायलिसिस स्कैन दवाएँ उसका भी क्रियान्वयन कैसे चल रहा है वो भी देखने के लिए आए थे। और मुझे लगता है कि बाकी जितने भी जन सुविधाएँ हैं लोगों की आवश्यक है हॉस्पिटलों की अच्छी तरह चल रही है, उसका सुधार जो भी करने के लिए कोशिश चल रही है। सर क्या कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं? कुछ अनियमितता का इशू नहीं, वो तो लगातार जांच का इशू होता है। आज ओवरऑल जो इशूज आते हैं कई बार स्टेट से हम जो चीज़ें देखते हैं वो उस प्रकार से हो रही कि नहीं है, कई बार लोकल स्तर पे कुछ इशूज आते हैं वो कई बार क्षेत्र समझ नहीं आते, इसलिए आज इशू करना है। सर एक खिड़की को लेकर भी है कि खिड़की से दवाई वितरण की जा रही है, उसका मामला भी अभी आपके सामने आया है, उसको लेकर क्या मामला नहीं है? हमने इंस्ट्रक्शन इनको पहले भी दिया है कि ओपीडी में जब अत्यधिक लोग आते हैं तो लोगों को कम से कम समय में सेवाएं मिलनी चाहिए, इसके लिए अब हमने हेल्प डेस्क बनाए हैं कुछ आने वाले दिनों में, उसको क्यू मैनेजर लगाए ताकि लोगों को पता चले कि अपना नंबर कब आने वाला है। और जब जाएँ यहाँ से तो लैब भी उनको सर्विस होती है, जब दवा लेने जाते हैं तभी कम से कम तकलीफ लोगों में हो, कम टाइम में हो, इसलिए हमने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कि खिड़की पर। सर लिफ्ट भी बन पाई गई है, उसको लेकर कोई दिशा निर्देश दिए हैं? वो बता दिया।